20 इंची का लो है, फ्यूल काउंटर टाइप है। फ्यूल काउंटर टाइप। बहुत सारे लोग आते हैं जो 4x2 लेके आते हैं, 4x4 वाला स्टीकर मांगते हैं, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है भैया, जो अभी आया है। अभी आया फुटरेस्ट भी है, जो है उसकी कॉस्टिंग आएगी भैया 7000। इस वाले सिंगल पैकिंग वाले की भैया 7000। स्टेरिंग की प्राइसिंग अभी बढ़ गई है, थोड़ी स्टेरिंग जो है भैया 7000 की रेंज में बढ़ेगा विद इंस्टॉलेशन। साइड मिरर भैया जो हम लोग विद इंस्टॉलेशन 8000 का लगा। 8000 का लगा है, ये बढ़िया चीज़ है भाई। पहले ये वाला हम कराते थे, अब आपको ये ऐसे लग जाएगा। इतनी बड़ी डिस्प्ले थार के अंदर कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूँ माही कार एसेसरीज पर, और यहाँ पे चल रहा है थार का काम। मेरे साथ में मनीष भैया, कैसे हो भैया? आज रात फिर से हो गई है भैया को अर्जेंटली, गाड़ी लेट आई। भैया ने आज इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर दी कि भाई मेरी गाड़ी जो डिलीवरी हुई है शाम को 6 बजे हुई है, और प्लीज़ इसको करके दे दो आप। तो भैया ने वही दिल वाली बात है कि रख लेते हैं। इतना ज़्यादा खैर काम नहीं था, लेकिन ये बेस मॉडल है, इसको हम टॉप मॉडल बना रहे हैं पूरा। गाड़ी एक बार आप चेकआउट कर लो, गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इसमें हमने इंस्टॉल किए हैं, सबसे पहले तो अलॉय की बात करते हैं भैया, कौन से अलॉय हैं और कितने इंची हैं? ये भैया 20 इंची का अलॉय है, फ्यूल काउंटर टाइप है। फ्यूल काउंटर टाइप। 20 इंच का रिम लगा हुआ, टायर लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और आफ्टर मार्केट टायर है, तो काफ़ी ज़्यादा वाइट टायर भी है, जो कि इस गाड़ी पर काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हल्के से टायर बाहर आ जाते हैं थार पे, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक देता है ना भैया। उसके बाद अगर बात करें तो ये अपना जो है बिल्कुल बेस वाला मॉडल है। इसके अंदर ना तो अलॉय थे, ना कुछ था, कोई भी सामान, बिल्कुल खाली गाड़ी आती है ना। जैसे हमारी स्विफ्ट जो है वो एलेक्साई बिल्कुल खाली आती थी, ऐसे ही सेम ये वाली गाड़ी भी आती है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया यही लगती है 4x2 वाली, बिकॉज इसके अंदर आप अपनी तरफ से कोई भी कस्टमाइजेशन करा सकते हो ना। तो गाड़ी भी भैया ज़्यादातर यही आ रही है, यही आ रही है ना। आप निकलने लगे शोरूम से तो यही वाली गाड़ी आ रही है। बात करते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ इंस्टॉल कर दिया भैया। इसमें रेंगलर वाली हमने टेल लाइट लगा दी है, नीचे रिफ्लेक्टर लगा दिया भैया। अच्छा, तो रिफ्लेक्टर और टेल लाइट लग चुकी है। टेल लाइट का डिजाइन देख लो भाई, ये रेंगलर स्टाइल में, रेंगलर स्टाइल में कई सारी टेल लाइट आती है ना भैया। टाइप ये वाला जो होता है वो सारा रेंगलर ही होता, सारा रेंगलर ही होता है, अलग अलग डिजाइन के। ठीक है, काफी ज्यादा बढ़िया। बाकी यहाँ पे RWD की ब्रांडिंग है, जो कि आप चेंज करा सकते हो अगर आप 4x4 में चेंज कराने चाहते हो। और नीचे रिफ्लेक्टर है, उन सभी के अंदर स्कैनिंग का फीचर, इंडिकेटर वगैरह, मैट्रिक्स, सारी चीजें होती है ना। और क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? भैया हमने आगे हेडलाइटें लगा दी, अंदर स्टीरियो स्पीकर, स्पीकर की जाली भी जो होती है। हाँ जी, AC वेंट लगा दिया भैया, जीवा का कितने क्या क्या रैम वगैरह क्या? ये 4/32 में आता है। अच्छा, 4/32 में आता है, उसमें फीचर वगैरह वही अपने एप्पल कारप्ले वगैरह। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्क्रीन रहेगी, क्योंकि 4/32 है तो लॉन्ग लाइफ चलेगी। और उस पर लिखा भी है जीवा, अगर आपको पढ़ने में आ रहा होगा तो जीवा भी लिखा भी है। स्टेयरिंग का क्या रोल है? जैसे अभी रेड वाली गाड़ी जो हमने दिखाई थी, उसके अंदर स्टेयरिंग वगैरह सब कुछ लगाया था हमने। स्टेयरिंग में टाइम लगता भी है, बाद में करवाएंगे, अभी टाइम थोड़ा कम। और जो हमारी रेड वाली गाड़ी थी, उसमें कितने इंच की स्क्रीन लगी थी? बड़ी सी जो दिख रही थी 13.1 था। ठीक है, मतलब 13 इंच समथिंग की वो डिस्प्ले थी, जिसके अंदर वो भी 4GB रैम के साथ ही थी, है ना। तो भाई एक बार एंजॉय कर लो वाली क्लिप को, उसके बाद इसका ना सारा कुछ आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। दोनों ही बेस मॉडल गाड़ियाँ होने की वजह से देखो, साइड फुटरेस इस वाली गाड़ी में भी नहीं है, उस वाली गाड़ी में भी नहीं है, बट दोनों गाड़ियों के अंदर अलॉय व्हील लगे हुए हैं। तो इस वाली के अंदर तो कंपनी वाले लगे हैं, विद आफ्टर मार्केट टायर है, टायर भैया ने इसमें चेंज करवा लिया है। तो ये कुछ आपके कंफोजर या समथिंग कुछ ऐसे कंफोजर ही हैं, वही वाले टायर लगे हुए हैं इसके अंदर। और साइड वाली गाड़ी तो मैं आपको पूरी दिखाने वाला हूँ, तो वो तो आप एंजॉय कर ही रहे होंगे। हमने इसका ना जो टॉप है ना, ये भी पूरा करा था, ताकि भैया ने बोला कि मेरी रिक्वायरमेंट है टॉप की, तो वो भी करके दो, तो ये भी करा था। प्लस स्पीकर वाला पार्ट भी इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया था, तो देख लो भाई स्पीकर वाला इस पार्ट भी इंस्टॉल है। तो कुछ जो ज़रूरी नेसेसरी चीज़ थी ना वो लगवा लिया। इवन भैया ने हेडलाइट के अंदर सिर्फ LED डलवाई है वही, और आपको वो जो परछाई सी दिख रही होगी वो डुअल DRL की है। ठीक है, सामने ये जो लाइट सी जली दिख रही है, ये इसी गाड़ी की डुअल DRL है। तो मैं ज़्यादा ना दिखाते हुए इसके अंदर सिर्फ आपको यही चीज़ें दिखा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी गाड़ी तैयार कर दी, और इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ आपको थार देखने को मिल रही है। देख लो भाई इतनी बड़ी डिस्प्ले थार के अंदर कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है। मैंने इसके अंदर एम्बिएंट लाइट का भी काम कराया था, तो यहाँ पर K4 सीरीज़ की जो एम्बिएंट लाइट आती है, सिर्फ एम्बिएंट लाइट 10 पीसेस वाली लगाई थी। इसमें आपको पैर में भी लाइट मिल जाती है और कुछ यहाँ पे भी मिल जाती है। तो ये गाड़ी मैं अर्जेंट बेसिस पे मैंने शूट कर ली, क्योंकि भैया को थोड़ा सा लेट था, मतलब जल्दी था जाने के लिए, तो वो लेट हो जाते, इसलिए मैंने इसको शूट कर लिया पहले आप लोगों के लिए, ताकि मैं उस वाली गाड़ी के अंदर आपको दिखा दूँ। इस वाली गाड़ी के अंदर भी हमने स्टेयरिंग भी इंस्टॉल किया था, जो कि भाई आपका वॉल्यूम प्लस माइनस वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से काम करेगी। पूरा स्टेयरिंग ही चेंज होता है इसके अंदर, कंट्रोल का कोई सवाल ही नहीं है, पूरा स्टेयरिंग ही हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। बाकी भाई इस वाले प्लेयर के आपने बैक गेट तो चेक कर ही लिया है, बाकी इसके अंदर ऑप्शन बहुत सारे ही आ जाते हैं ना, मतलब ब्लूटूथ, वाईफाई जो भी चीज़ आपने चलानी है वो सारे चल रहे हैं बढ़िया तरीके से। और रैम की बात करें तो वो भी मनीष भैया ही बताएंगे इसमें कितनी रैम थी,
क्या वर्जन था, अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा तो ये देखो 4GB रैम है, 32GB की इनबिल्ट मेमोरी है। इतना बड़ा प्लेयर आपकी थार के अंदर भाई, देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इतनी बड़ी के अंदर तो अगर मैं कोई वीडियो वगैरह कुछ इसमें दे रखी हो, मैं चला के दिखा दूँ अगर आपको, 360 वाला भी इसमें सिस्टम पूरा दिया हुआ है भाई। ये कुछ इसका रिवर्स वाला सीन है, रिवर्स जो कैमरा आता ना वो कुछ ये वाला है। ये है इस लाल वाली गाड़ी का इंटीरियर कुछ, और ये फिर से हमने वही वाली डिस्प्ले लगा दी है जिसके अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें, इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। ये कुछ 13 इंच के आसपास की डिस्प्ले है, बाकी मनीष भी आपको बता देंगे। ये देखो भाई कितनी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। देखो जेड लिंक है इसमें, आप एप्पल कार प्ले वगैरह अगर चलाना चाहते हो तो एप्पल कार प्ले वगैरह भी आपका फ़ोन में चल जाएगा भाई। ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये दोनों गाड़ी बेस मॉडल थी, तो हमने स्टार्टिंग जो करी थी वो इस वाली गाड़ी से करी थी। वाले भैया को थोड़ा सा जल्दी था तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूर से वीडियो बना लूँ, देखा शॉर्ट थे तो वो एंजॉय कर लेना बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बट बेस मॉडल थी तो आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक बार मैं ना अंदर से इसका जो प्लेयर है वो भी आपको दिखा देता हूँ भाई। अब इसका एक बार आप साइड वाला लुक चेकआउट कर लो, कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है इन अलॉयज के साथ। उसके बाद बात करते हैं इसके फ्रंट साइड की। तो यहाँ पे क्या क्या भैया? ये यहाँ पे हमने लगा दी माइनस विद रिंग वाली भैया हेडलाइट, ठीक है। इसमें इंडिकेटर भी चलेगा, इंडिकेटर भी चलेगा। डुअल वाली भैया DRL लगा दी है, ठीक है। ग्रिल लगा दी भैया। ये भैया हेडलाइट जो ओरिजिनल वाली है या फिर ओरिजिनल? हम लोग ओरिजिनल ही लगाते हैं। पहले इसमें जो आता था आपका ना कट वाला आता है वो कॉपी होता है, वो हम नहीं रखते भैया, वो नहीं रखते हैं। और सेकंड चीज, ये जो लाइनिंग है ना, ये नया वाला डिजाइन था जो माइनस विद रिंग के साथ आया था। पहले ये पूरी गोल आती थी, अब ये थोड़ा सा कट में आने लग गया ना। और ये ग्रिल कौन सी है भैया? रैंगलर वाली लगाई है भैया, 7 स्लॉट वाली। रैंगलर वाली लगाई है हमने। इसमें दो तरह की आती है, एक थोड़ी सी वाइड वाली आती है, एक ये वाली आती है भैया। इसकी जो फिटिंग है ना हेडलाइट के पास अच्छी आती है भैया। अच्छा, इसमें हेडलाइट एडजस्ट हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है तो, और दूसरी वाली में नहीं हो सकता, तो ये काफी अच्छी चीज है, टच करता है, तो इसलिए कई बार वो लगाते कई बार ये लगाते। चलो, मतलब एज पर योर चॉइस जो भी आप मांगना चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। साथ में बात करते हैं फॉग लाइट की, तो ये कौन सी है? Q8 Pro वाले लगाए हैं हम। Q8 Pro जो हम लगाते आ रहे हैं, जो कि हम अपनी खुद की गाड़ी में भी यूज कर रहे हैं, वो बढ़िया चल रहे हैं, एक नंबर। मैं तो हेडलाइट भी ऑन नहीं करता हूं, तो अगर आपने ये लगा लिया है ना और आपकी हेडलाइट भी थोड़ी बहुत कम रह गई है तो ये उसकी कमी पूरी कर देते हैं, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी रिस्पॉन्स देख लो भाई आपके सामने ही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन है काफ़ी अच्छी। प्राइसिंग के मामले में भी अच्छा खासा प्राइस है, बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक स्पॉट लाइट भी मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही स्पॉट लाइट, बट इसमें एक स्पॉट लाइट निकलती है जो कि बॉक्स बनाती है, जो कि इसी प्रोजेक्टर के अंदर है ना। नॉर्मल वैसे सबके जो आते हैं वो एक नॉर्मल लाइट मारता है ना, नॉर्मल इसमें आपको अच्छा भी है, जितने भी अच्छा आते हैं सबसे बढ़िया थोड़ा है। तो हम वो चीज़ लगाते आ रहे हैं हमेशा चेंज करते करते, अब इस पर रुके हुए हैं। कल को कोई नई चीज़ आएगी वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। साथ में DRL जो है वो अपना लेटेस्ट जो DRL चल रहा है अभी तक, वो यही वाला है, डबल DRL वाला, जिसमें आपका बीच में इंडिकेटर होता है, ऊपर नीचे DRL होते हैं। और क्या क्या लगा भी इसके अंदर? इसके अलावा भी है इसमें देखो मिरर वाली किट भी लग रही है, मिरर डिपिंग, हैंडल डिपिंग। अच्छा, ये DRL की किट आ चुकी है, ये कंप्लीट आती है तीनों का सेट। अच्छा, तो ये वाला ये लगेगा भैया? हाँ। अच्छा, ये वाला है तो ये पियानो में होता है भी? पियानो, तीनों कंप्लीट किट आ रही है तीनों की। अच्छा, DRL, हैंडल, मिरर। तो पहले हम इसको कराया करते थे, अभी आने लग गई, अब आ रहा है। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, पहले ये वाला हम कराते थे, अब आपका ये ऐसे ही लग जाएगा। तो वो पहले पुराना वाला हटेगा ना, इसके ऊपर लगता है, पुराने वाले के ऊपर लगता है, पुराने वाले को। अच्छा, बिल्कुल फिट हो गया एकदम, देख रहे हो भाई कितनी बढ़िया चीज़ है, और इसके ऊपर ही लग जा रहा है, सबसे अच्छी बात ये है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं साइड मिरर की, तो यहाँ पर एक कवर ये लग जाता है जो कि लुक को एनहांस करता है, साथ में एक ये वाली चीज़ भी है। और बात करते हैं फुटरेस्ट की, तो भैया फुटरेस्ट लगाने वाले हैं या क्या सीन है? फुटरेस्ट नहीं लग रहा भैया, एक भैया कह रहे थे कि मुझे फुटरेस्ट यही पसंद है, वो उस वाली गाड़ी में उन्होंने फुटरेस्ट वही रखा है भैया। अच्छा, दोनों गाड़ियों के अंदर फुटरेस्ट नहीं लगे थे, बट अगर बात करें लगाने की और टाइम इतना लेट गया तो क्या होगा? टाइम तो लगता ही है भैया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मतलब अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी की बात करें, अगर रात में हमें चाहिए तो वो तो हमारे पास स्टॉक होता ही है, स्टॉक है ना, स्टॉक मतलब सारी चीज़ों का भी। अभी भी 5 गाड़ी आएगी तो कंप्लीट हो सकती है, कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी RWD गाड़ी अपनी, रियल व्हील ड्राइव वाली जो अपनी आ रही है, काफ़ी अच्छी गाड़ी लगती है मेरे को भाई ये वाली। इसमें अगर आप साइड फुटर्स लगाना चाहते हो, टॉप मॉडल वाली फील देना चाहते हो, दे सकते हो, नहीं तो ये बिल्कुल लोहे के होते हैं, ये भी बहुत पक्के चीज़ है ना, ये मजबूत भी है और काफ़ी बढ़िया भी चीज़ है, और पूरा का पूरा लोहे का, जैसे आपकी पुरानी वाली थार में लग के आता था, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है। और क्या क्या भैया इसके अंदर? चलो अंदर का काम हुआ, अभी स्टीरियो वगैरह लगा है, आर्मरेस्ट वगैरह लगे हैं, एसी वेंट लगा है, आर्मरेस्ट भी लगा हुआ है इसके अंदर, तो वो भी दिखाया था भाई। आर्मरेस्ट हमने दिखा दिया ना, इसका आर्मरेस्ट अभी दिखा दिया था हमने भाई। अभी जो काम चल रहा है ना वो चल रहा है ये ऊपर वाले स्पीकर का, तो इसमें भैया क्या लगा रहे हैं हम स्पीकर में, क्या यूज़ कर रहे हैं? स्पीकर भी है, इसमें हर्ट्ज के कंपोनेंट लगे हैं, 2 हर्ट्ज के कंपोनेंट आगे और पीछे में, दोनों साइड कंपोनेंट हो गए, क्योंकि इसके अंदर हमें भाई यहाँ पर ना आपको ट्यूटर की जगह भी दी होती है, पीछे की साइड में भी, और आगे हम कहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पे साइड में। हाँ जी,
साइड में आगे लगा देंगे कुछ इस साइड में, यहाँ पे आपका ट्यूटर लग जाता है, तो वो बढ़िया चीज़ है। और उसके बाद तो भाई गाड़ी जो है वो अपनी बेस मॉडल ही है, तो इसके अंदर जितना काम कराते थे वो कम ही पड़ता है ना, टाइम की भी कमी थी भैया, जो जो हो सकता है वो कर दिया। मतलब गाड़ी एक ऐसी तैयार कर दी है जो एक मतलब जल्दबाजी में भी गाड़ी जो लगती है ना वो अब चलते हुए काफ़ी अच्छी रहेगी। इन एलॉय के साथ ये टेल लाइट, ये हेडलाइट, बाहर से तो कोई कमी रह नहीं गई, बाकी इन फ्यूचर हम इसके अंदर अगर भैया आए तो हम दोबारा बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं ना। तो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं भाई। देखो गाड़ी कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है अब चलते हुए यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक आ रहा है। ये देखो भाई, आप खुद बताओ भाई, कमेंट करके बता देना आप लोग कैसी लगी। तो गाइस फाइनली अब रेडी हो चुकी है गाड़ी भाई, और मैं आपको बता देता हूँ फ्रंट साइड में जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रिल लगी थी इसके अंदर, एक हेडलाइट लगी थी, DRL एंड फॉग लाइट। ये सारी चीज़ों का अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो भैया अप्रॉक्स जो हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया है क्या कॉस्ट पड़ जाएगा अगर अब इस तरह की कुछ गाड़ी रेडी करानी है? अलॉय व्हील छोड़ के 90,000 के अराउंड लगेगा, 90,000 के अराउंड लगेगा। मतलब सिस्टम वगैरह सारा कुछ लगा गया ना, मेनली जो उसके पार्ट हैं वो जेन्युइन वाले वो ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। देखो वैसे अगर हम ओरिजिनल काम कराते हैं कि जैसे हेडलाइट स्टॉक रखते हैं, फॉग लैम्प लगा दिए, ओनली DRL लगा दिए, ठीक है, हमने फुटरेस लगा दिए, स्टीयरिंग लगा दिए, तो भैया 60-65,000 में काम हो जाता है। इसमें मॉडिफिकेशन भी हुई है ना, सही बात है, ग्रिल चेंज है इसके अंदर, आफ्टर मार्केट हेडलाइट है, आफ्टर मार्केट इसके DRL है, फॉग लैम्प प्रोजेक्टर महंगे वाले हैं, बैक लाइट है, रिफ्लेक्टर है, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर जो भी लगी है ना, मेन चीजें भी है। और भाई गाड़ी का जो लुक है वो तो काफ़ी अच्छा बन के आ ही गया है। अगर बात करें इंटीरियर की तो भैया रूफ का प्राइस एक बार मैं जानना चाहूँगा, रूफ का क्या प्राइस लग जाता है अगर कोई करवाता है? 500 9,500, यानी कि जो हमने उस गाड़ी के अंदर करके दिया, जो हम देखो बना के लगाते हैं वो 9,500, जो बना बनाया आता है वो 8,000 या 8,500। अच्छा, तो भाई बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, एक चीज़ और दिखाया था, यहाँ पर 4x4 की ब्रांडिंग भी कर दी है, तो जो कि पहले RWD लिखी हुई आती थी, और अंदर की साइड में दिखाया था कुछ ऐसा है अभी, ठीक है। स्टेयरिंग इसका चेंज हुआ जो कि नेक्स्ट बार में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्पीकर वाला सिस्टम था ना वो आपका चेंज हो चुका है, और यहाँ पर एंड्रॉयड भी इंस्टॉल हो चुका है विद आपके AC बैंड के साथ। तो ये सारी चीज़ें लगी हैं, और यहाँ पे आर्मरेस्ट भी लग गया, पीछे की साइड में भी लग गया, और यहाँ पर भी लग गया। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी बेस मॉडल के अंदर नहीं आती है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, और बैक साइड से जो लुक आ रहा है गाड़ी का कुछ आपको ऐसा लुक मिल जाएगा देखने के लिए। ये देखो एक बार इसकी साउंड सुन लो आप लोग, आवाज़ तो बढ़िया ही है इसकी, वो जो कंपनी से स्पीकर लगे हुए आते हैं ना वो फिर भी इससे कम पड़ जाते हैं, थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं, बट ये काफ़ी बढ़िया। और सेकंड आपको कंपनी की जो डिस्प्ले मिलती है वो काफ़ी छोटी मिलती है, बट यहाँ पर आपको 9 inches की डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं। बात करें तो ये कुछ ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको 4GB की रैम मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। टच रिस्पॉन्स की बात करें तो A1 क्वालिटी का टच है, ये देख रहे हो भाई काफ़ी बढ़िया है। YouTube वगैरह जो भी चीज़ आप चलाना चाहते हो उसके अंदर कुछ भी चीज़ प्ले कर सकते हो भाई, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है वाला। ये देखो भाई प्लेयर तो देखो जो हम लगाते हैं उसमें साउंड की जो क्वालिटी आनी चाहिए ना वो एक नंबर आनी चाहिए, तो साउंड की क्वालिटी इसमें एक नंबर आ रही है बढ़िया। और नीचे भाई मैट वगैरह कुछ डाल रहे हैं इसके अंदर? मैट डल रहे हैं भाई इसमें। कौन से मैट डल रहे हैं भाई इसमें? इसमें डल रहे हैं भाई 70 मैट। 70 मैट डल रहा है इसके अंदर भाई, फंसने वाली क्या बात है इसके अंदर भाई? भाई ऐसा, अच्छा भाई ने ऐसा दिया, अच्छा भाई ने ऐसे दिला दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो भाई अभी डालेगा इसके अंदर 70 वाले मैट जो कि काफी ज्यादा आर पार होते हैं। 70 डाल रहे हैं ना भाई? हाँ भाई 70। देख रहे हो रात के टाइम में कितना, अभी इनका घर इनका मूड खराब हो चुका है, घर जाने को है अभी, कुछ नहीं है घर बार, कुछ नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को खुश करके भेजते हैं भाई, मेन चीज ये है, आप लोग जब भी आते हो आपको खुश करके भेजते हैं। तो फिलहाल भाई ये सारी चीजें ओके हैं, प्राइसिंग की बात मैंने आपको बता दी है, बाकी आपको लास्ट में मिल जाएंगी, इसमें जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से एंड देन करते हैं वीडियो को एंड। ये कुछ आ चुके हैं 70 वाले मैट जो कि अभी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो रहे हैं भाई, कर दो लगा दो आप। पहले जो थे ना वो कुछ ऐसे थे भाई नीचे की साइड में, अभी ने पेपर डलवा रखा था जो आता है, और अभी कोई मैट नहीं है, तो अभी इसके अंदर ये 70 मैट डाल देंगे जो कि इसकी लुक भी बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देंगे। अब आप चेकआउट करो, इस साइड में मैट नहीं है और इस साइड में मैट है, देखो कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और ये साइड तक आते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी है, और दोनों साइड में क्या फ़र्क है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, इस गाड़ी का तो काम कम्प्लीट है, बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, कैसे हो भैया?
बढ़िया भैया, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया सर। सर एक बार अपना नाम शेयर कर दीजिए और कहाँ से आए थे आप? मेरा नाम रविंदर है और मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ। बहादुरगढ़ से आए थे आप? जी। बहुत अच्छी बात है भैया की डिलीवरी जो है गाड़ी की वो आज कितने बजे हुई थी? लगभग 5:30-6 बजे हुई थी। 5:30-6 बजे हुई थी। और अब तो कितना टाइम लगा वहाँ से आने में और फिर वहाँ से आने के बारे में कैसे पता चला? 1.5 घंटा लग जाता है, ट्रैफिक होता है और उसके बाद अलॉय व्हील डलाए हैं, फिर भैया के पास आए। सारा कुछ बेस मॉडल लिया था या बेस मॉडल क्या क्या सोच के लिया आपने? बेस मॉडल थार का, चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे टॉप मॉडल ले लो, ठीक है, काम तो उसमें कराना पड़ता है। काम तो कराना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। आप चाहे बेस ले लो चाहे टॉप ले लो, काम तो उसमें कराना पड़ेगा। तो यही सोच के कि भाई टॉप लेके काम कराएंगे, बेस लेके काम करा दें। बढ़िया। और आपका 4x4 का तो यूज होगा नहीं? 4x4 का कोई ऑफ रोडिंग का यूज होता नहीं है। यूज होता नहीं है तो लुक के मामले में तो भाई गाड़ी अपनी बढ़िया हो गई है। बिल्कुल सारी चीजें। अगर बात करें प्राइसिंग की कि माही कार का जो प्राइस है वो कैसा लगा, क्योंकि वीडियोस के मामले हमने सिर्फ हमारी वीडियो देखी थी, कुछ और भी देखी थी। वीडियो जैसे गाड़ी बुक करा दी थी तो मन में एक ऐसा रहता है भाई काम कराएंगे, कैसा काम कराएंगे। यूट्यूब भी देखते हैं, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, ठीक है। आपका आपका चैनल है एके सफर करके, तो उस पे भी काफी वीडियोस हैं आप डालते रहते हो, तो बड़ा अच्छा लगा। वैरायटी बहुत है इनके पास, वैरायटी बहुत, जैसे लाइट्स कुछ भी है, हर एक चीज में वैरायटी है। प्राइसिंग वगैरह? प्राइसिंग वगैरह ओके है, सब ओके है, सब ओके, बिल्कुल जायज है। बिल्कुल। हमारे जो बेस मॉडल जो अब निकल के आ रही हैं धीरे धीरे करके, जैसे दो गाड़ी आपके सामने थी, एक रेड वाली थी, एक आपकी वाली आई, तो अब आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए रिकमेंडेड है ना शॉप? बिल्कुल रिकमेंडेड है, और इससे बेस्ट नहीं है कुछ भी। बढ़िया, बिल्कुल। चलो भाई, तो फिलहाल के लिए करते हैं भाई वीडियो को एंड। बाकी आप लोग भाई विजिट कर सकते हो माही कार एक्सेसरीज पर, यहाँ सामने नंबर आ रहा भैया का। गाइस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन आप लोगों ने देख ली है, जो कि अपनी थी बेस मॉडल। तो भैया वो जो गाड़ी हमने रेडी करी है उसके अंदर जितनी भी चीजें हमने लगाई है वो सारी है महिंद्रा जेन्युइन, क्योंकि वो गाड़ी बेस मॉडल में बहुत कुछ नहीं आता है। तो आपका क्या कहना है भैया उन सभी चीजों के? भैया देखो, जो भी थार के अपना जो है AX मॉडल में जो भी चीजें जैसे नहीं आती, उसमें कुछ भी नहीं आता है, वो सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि फुटरेस्ट हो गया भैया, स्टेयरिंग हो गया, एंटीना हो गया, रूफ लैम्प, रूफ वाला स्पीकर बॉक्स हो गया भैया, इसके अलावा साइड का फुटरेस्ट, DRL, फॉग लैम्प, वो सारे अवेलेबल होते हैं हमारे पास भैया। ठीक है। तो भाई आपको एक चीज बता दूंगा, आप लोग बोलते हो भाई, रिक्वेस्ट करते हो कि भाई ये जो सारी चीजें हैं जेन्युइन वाली, ये सारे महिंद्रा के ही बॉक्सेस है, ये काफ़ी टाइम से भैया के पास अवेलेबल थे, इवन आपने वीडियोस में लगते हुए भी देखे होंगे, बट भैया के पास थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, और जो कस्टमर हमारे पास आते हैं या पहले से जानते हैं उन सबको पता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ लगी होती है जिसमें भैया को व्यस्त रहना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें निकालने में और ये सब कुछ परिवार खोलने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो आती है थोड़ी सी लेट। क्यों भैया? हाँ जी, वो चीज़ थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो भाई देखो भैया, एंटीना हो गया, कोई महिंद्रा जेन्युइन, ये देखो ये भैया इसका एंटीना है, जो भी प्रोडक्ट है भैया, कोई पुराना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो भी होगा वो ब्रांड नहीं होगा, सारा डब्बा पैक होगा भैया, दिखा दो ये डब्बा पैक, फुटरेस्ट भैया, ये स्टीयरिंग डब्बा पैक भैया, ठीक है, ये सारे के सारा ब्रांड नहीं होगा, ये एंटीना है ना, इसमें भैया स्टीयरिंग कंट्रोल है, ये एंटीना है, तो ये भी अपने महिंद्रा जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी इसके अंदर कोई भी पार्ट पुराना नहीं होगा, कोई स्टीयरिंग पुरानी होगा, ब्रांड न्यू स्टीयरिंग नया होगा भैया, कंट्रोल भी नया है इसका, ठीक है। हेडलाइट्स कुछ अपग्रेड हुई है, कुछ नई नई लाइट आई है, तो उसमें तो जो भी नहीं होगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या रिस्पॉन्स है वही बता दूंगा आपको। देखो इतना बड़ा बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है ये अपना स्पीकर बॉक्स का ही, देखो कितना बड़ा डब्बा आता है यहाँ से, देखो ठीक है, ये बिल्कुल मेरे बराबर तक का है, और ये देखो इसके अंदर जो निकल के आती है, ये देखो ये कुछ स्पीकर बॉक्स है, ये देखो ये भी भैया महिंद्रा जेन्युइन, महिंद्रा जेन्युइन ब्रांड न्यू, ये भी आपका है, और ये आपकी गाड़ी के अंदर जो बेस मॉडल वाली है उसके अंदर ये स्पीकर बॉक्स नहीं आता। और भैया इसकी जालियाँ? इसकी जालियाँ भी है, साथ में ही आती है इसके? नहीं, इसमें अलग आती है भैया, तो जालियों का रेट अलग होता है, इसका अलग सब जोड़ के टोटल 3500 का हम लोग देते हैं, टोटल 3500 का हम लोग देते हैं। और भाई ये वाला जो बॉक्स है ना, ये अपना फुटरेस है, और इस फुटरेस के बारे में भैया क्या होता है, प्लग इन जैसे निकलता है? ओरिजिनल भैया S2H है, मतलब प्रॉपर सारे नट अपनी जगह पे लगेंगे, सारे ब्रैकेट इसके अंदर होते हैं, फुटरेस इसके अंदर होता है, ब्रांड न्यू फुटरेस भैया, पैक्ड फुटरेस, बिल्कुल कुछ खुला हुआ हो कुछ हो भैया, इस पर सारे MRP के टैग होंगे, इस पर सारे हो सारी चीज़ें होगी इस पर ना, और कितने का मिलेगा वही बता दूंगा, डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ करके या प्राइसिंग पूरी एग्जैक्ट बता दूंगा जितना ये आपको लगेगा। तो कुछ ये दोनों भी है इसके अंदर? ये एक है भैया। अच्छा, एक दो अलग अलग बॉक्स पैकिंग है भैया, सिंगल, अच्छा, एक बॉक्स ये वाला है, एक ये वाला है। तो कुछ ऐसा आता है जो कि आपकी गाड़ी में टॉप मॉडल वगैरह में आपने लग के देखा होगा, ये कुछ ये वाला पूरा फुटरेस्ट पहले लगा जो आता था ना भैया, ये एक ही डब्बे में दो फुटरेस्ट आते थे और इसके ब्रैकेट सारे अलग अलग आते थे। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारे ब्रैकेट लग के आते हैं, बहुत इजी लगाने में हो गया, डायरेक्ट 3 नट लगाओ आपके फुटरेस्ट लग जाएंगे। अच्छा, 15 मतलब ये है कि हमारे तो पहले ये सब कुछ कसना पड़ता था, पहले अलग आते थे भैया, अब ये फिटेड आते हैं। ये बढ़िया चीज है भाई, कंपनी वालों ने ये हमारे लिए थोड़ा आसान कर दिया, पैकिंग भी सिंगल सिंगल कर दी, पहले इन्होंने डुअल पैकिंग की, मतलब एक में ही दो होते थे ना, तो अब ये आपका एक साइड का अलग है, एक साइड का अलग है,
और क्या क्या भैया, स्टेयरिंग कंट्रोल की मात्रा हमारे पास पूरी है भैया, क्वांटिटी सब कुछ पूरी है भैया, कभी भी कोई शॉर्ट नहीं होगी, जब भी आयोगे सब कुछ अवेलेबल होगा। और हमने अभी साइड मिरर नहीं दिखाया, वो तो सब कुछ करते जाते, साइड मिरर कम लोग लगाते हैं लेकिन साइड मिरर भी नहीं आता। फायदा क्या होता है भैया साइड मिरर AX में? ना एडजस्टेबल अंदर से नहीं है। अच्छा, वैसा जो एडजस्ट करना पड़ता है वो आपको हाथ से उंगली से करना पड़ेगा। ये साइड मिरर, इसके स्विच वगैरह वो सारे हमारे पास अवेलेबल है भैया। ये सारा वायरिंग वाला साइड मिरर है, देख लो आप। ये देखो यहाँ पे वायरिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसके अंदर आपको, जो कि एडजस्ट होगा, फोल्ड नहीं होगा। ये पूरी इसकी वायरिंग भी है, फोल्ड नहीं होता भैया, फोल्ड नहीं होता। और ये इसकी वायरिंग भी यहाँ पे सारी, ठीक है, सारी चीज इसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। और ये भी अपना महिंद्रा जेन्युइन है, जो भी प्रोडक्ट है ब्रांड न्यू है भैया, और महिंद्रा जेन्युइन है। इसके पीछे जैसा आपका थार की ब्रांडिंग आती है, सेम वही चीज है जो आपके टॉप मॉडल में लगी रहती है ना। तो ये सारी चीजें मेरे को आपको दिखानी थी, बिकॉज ऑफ कि ये सारी चीजें काफी टाइम से भाई लोग पूछ रहे थे इसके प्राइस क्या, प्राइस क्या। और ये भैया कम से कम, हम ये सामान अभी दिखा रहे हैं, और कम से कम हमने 10 गाड़ी में लगा भी चुके हैं। मतलब गाड़ियां भी बहुत कम आई है, बेस मॉडल इतनी गाड़ियां भी नहीं आई है। और ये इसलिए 10 गाड़ी में लगा चुके हैं क्योंकि बहुत कम लोग उसको लगवाते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि अंदर से सिर्फ एक एडजस्टेबल वाला जो मोड टॉप मॉडल में लग के आता है वो ही ऑन होता है इसके अंदर। और क्या भैया टॉप मॉडल में? इसके अलावा भैया हेडलाइट है जो हम दिखाते जाते हैं, जैसे टॉप मॉडल की भैया DRL जो आफ्टर मार्केट ही लोगों लगवाते हैं, ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल भी अवेलेबल है। इसके अलावा भैया हेडलाइट आपका माइनस विद रिंग, किंग कॉन्ग, रेंगलर, ड्रैगन ब्लू वाली, ठीक है, पोर्शे स्टाइल V2, ठीक है। इसके अलावा भैया यू शेप हेडलाइट, ठीक है, सारे के सारे अवेलेबल है। एक ये वाली हेडलाइट देखो भाई, ये नया अपडेट है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ हेडलाइट है, इसको हम बोल रहे हैं पोर्शे डिजाइन। हाँ, पोर्शे डिजाइन है, पोर्शे 2 बोल सकते हो आप इसको। तो ये काफी बढ़िया चीज लग रही है सामने वाली गाड़ी में हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये गाड़ी है, इसकी वीडियो आपके लिए आने वाली है, इसमें भी आपको सेम हेडलाइट लगी हुई दिख जाएगी। देखो इसमें भी एक DRL में इसमें लो है और हाई है, और हेडलैम्प का थ्रो तो इसका बढ़िया है। DRL इसको बोले तो जब ऑन करते हैं तो वेलकम फीचर वगैरह? वेलकम फीचर नहीं है भैया, वेलकम फीचर भी है इसमें आता है। अच्छा, वेलकम फीचर इसमें आएगा, इसमें भी आएगा। हाँ, जो डॉट डॉट करके घूमता है तो इसमें भी आता है। और बाकी आपका ये DRL वाला, मतलब इनमें अगर रिस्पॉन्स की बात करें, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स अब किसका है? अब इसका है ना सबसे ज्यादा बढ़िया। इसका जो मैं वीडियो डालूंगा ना, अभी मैंने डाली नहीं है, शायद डाल भी दी उससे पहले तो पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं डाली होगी। जब मैं इसकी वीडियो डालूंगा आपके लिए, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स अभी, आप खुद बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया रिस्पॉन्स। हमने फॉग लाइट में एक साइड प्रोजेक्टर डाले और एक साइड हमने हेडलाइट डाला, उसका रिस्पॉन्स आर पार का, इसको भी फेल कर दिया। प्राइसिंग की बात करें भैया? भैया ये तकरीबन 22-22.5 हज़ार रेंज की हेडलाइट है। 22-22.5 हज़ार की रेंज की, मतलब जैसा इसका डिजाइन है और जैसी हेडलाइट है, जैसा इसका रिस्पॉन्स है, उस हिसाब से इसका प्राइस भी है ना। मतलब आज की सबसे महंगी हेडलाइट होगी, है ना। चलो अब बात करते हैं साइड मिरर, आपने कितने की बताया भैया? क्या साइड मिरर भी है जो हम लोग विद इंस्टॉलेशन 8,000 का लगाते हैं। 8,000 का लगाते हैं, वाला निकल जाएगा या लगे? और वाला क्या करेंगे हम? वो हटा देंगे, कस्टमर को वापस देंगे। हमारे पास हम नहीं रखेंगे, हम क्यों रखेंगे, कस्टमर को वापस जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये स्टेयरिंग नहीं आते हैं। स्टेयरिंग भी भैया, स्टेयरिंग की प्राइसिंग अभी बढ़ गई है थोड़ी सी। स्टेयरिंग जो भी है 7,000 की रेंज में पड़ेगा विद इंस्टॉलेशन। विद इंस्टॉलेशन भी 7,000 की रेंज में, स्टेयरिंग प्लस इसके बटन भी। अच्छा, इसमें सिर्फ बटन नहीं लगते है ना? नहीं, खाली बटन, ये पैक्ड होता है भैया, ओरिजिनल जगह नहीं होता। अच्छा अच्छा, जो कंपनी वाला आता है उसमें सिर्फ हॉर्न का ऑप्शन होता है। और इसमें एक जो वो आता है एयर बैग, उसका क्या होगा? वो वही ओरिजिनल लग जाता है, लगेगा, चलेगा, काम करेगा। तो ये पूरा स्टेयरिंग भी चेंज होगा आपका, साथ में ये बटन भी लगेंगे आपका, पूरा कंसोल ऐसा हो जाएगा आपका जैसा कि आपका टॉप मॉडल में आता है। ये बढ़िया चीज़ है। उसके बाद अगर बात करते हैं फुटरेस्ट की, तो उसका क्या फुटरेस्ट प्राइस? भी है जो है उसकी कॉस्टिंग आएगी भैया 7,000 इस वाले सिंगल पैकिंग वाले की, भैया 7,000 की सिंगल की, मतलब एक साथ। अब इसकी MRP बढ़े भैया? नहीं, पेयर की इसकी MRP पहले जो थी भैया वो कम थी, अब जब सिंगल पैकिंग में आई है तो इनकी MRP बढ़ के आई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट है भैया, जो अभी आया है, अभी आया, जो अभी 15 दिन पहले आया है, जो कि हमारे पास रेगुलर बेसिस पर आ रहा था और हमने बहुत गाड़ियों के अंदर लगा भी चुके हैं उसको। तो 7,000 का पेयर अभी है? पेयर है, 7,000 का पेयर है विद इंस्टॉलेशन है? विद इंस्टॉलेशन। स्पीकर जाली जो अभी है वो 3,500 की है, ठीक है। और स्टेयरिंग का प्राइसिंग हमने बता दिया, मिरर की प्राइसिंग हमने बता दिया। जो उसमें बल्ब वाला DRL आता है, DRL भी देखो, अगर बल्ब वाला आप लगाते हो तो वो तो हमारे पास उतरते ही रहते हैं, वो तो पड़े ही रहते हैं 1,000-1,200-1,300 में, वो लगा देते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कंपनी वाला हम 1,000-1,200। हाँ, जो आफ्टर मार्केट DRL है 2,500-2,600-3,000, दो तीन ऑप्शन अवेलेबल है, जो पसंद हो वो लग जाए, जो पसंद हो वो लगवा लो। मतलब उसमें एक स्मोकी आता है, नॉर्मल आता है, कुछ ऐसा कुछ है ना, ये बढ़िया चीज़ है। और एक अपना पुराना वाला भी आता है। इसके बाद भी है जो स्पीकर जाली है, एक बार मेरे को वाली भी जाली दिखाओ जिसके अंदर लाइट वाली जो दूसरी लग जाती है ना, चेंज हो गया, एक बार वाली दिखाओ जो K4 में आती है। और भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ये वाले जितने भी इसके 4x4 के स्टीकर आते हैं ना आपकी गाड़ी के अंदर, या तो कुछ लिखा ही नहीं है या RWD लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4x4। सारे महिंद्रा भी है, वो नहीं कि 100 रुपए वाले लगा दे भाई, ये भी कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है भैया, सस्ते है ना, और गाड़ी का लुक बढ़ जाता है इससे ना, तो ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। भी मिल जाएगा 4x4 भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखो इतने सारे भैया के पास अवेलेबल है, और भी अवेलेबल है, बट हमने आपको दिखाने के लिए इतना निकाल दिया, सारे महिंद्रा जेन्युइन है।
देख लो जेन्युइन पार्ट में ही आते हैं ये, और बहुत सारे लोग आते हैं जो 4x2 लेके आते हैं, 4x4 वाला स्टीकर मांगते हैं, तो ये चीज आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल हूबहू ऐसी है जो आपकी टॉप मॉडल के अंदर लगती है, और सब कुछ सेम एज इट इज महिंद्रा जेन्युइन। भाई अब आपको दिखाते हैं हम कुछ इसकी जो जाली वगैरह होती है स्पीकर का, हमने कंसोल दिखा दिया, बट जाली की बात करें तो एक ये वाली आती है अपनी कार्डी की K4 सीरीज, ये लाइट वाली आती है, ये लाइट वाली अपनी, और इसके अंदर आपको जो ऑप्शन मिलते हैं वो कुछ ऐसा घूमते हुए ऑप्शन जो आजकल आपने देखे होंगे वो मिलते हैं। ये भी अपने पास शुरू से ही है, बट हम आज पहली बार आपको वीडियो में दिखा रहे हैं क्योंकि हमेशा से भूल जाते थे हम। यहाँ देखो ये है कुछ स्पीकर जाली भाई, ये नीचे वाली है ना डैशबोर्ड में जो लगती है, ये देखो भाई ये कुछ जाली होती है, ये ब्लू नहीं है, इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी हुई है, यहाँ से देख रहे हो आपको सिल्वर है। दो जाली हो गई, चार जाली हो गई, छह जाली है भैया टोटल। ये देखो भाई इसके खोलना भी एक बार घटाना, ये देखो दो जाली है ऊपर की, चारों जाली है, और ये आपकी नीचे की है, इसके अंदर जलती है लाइट, और ये किसी भी कलर में कर लो या फिर आप इसे चला भी सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कुछ ये वाला जेन्युइन प्रोडक्ट हमारा जो कि है ना, ये वाला अपना जेन्युइन प्रोडक्ट है भाई, और ये वाला ये है महिंद्रा की जाली है, ये ऊपर ये ट्विटर की जाली होगी, ये दोनों ठीक है, ये दोनों स्पीकर की जालियां होगी, बहुत बढ़िया। तो ये भाई देख रहे हो ये पूरा कंसोल के साथ ऐसे लग जाएगी, और मजा जो आता है वो इन्हीं में ही आता भैया। इसमें लाइट वाली में क्या बता रहे आप? इसमें भैया जो लाइट वाली है वो पड़ती है भैया 10,500 रुपए की, ठीक है, और ये तो उसी के साथ ही आती है, ये साथ में ही आती है ना। हाँ जी। अच्छा बात करें कि K4 इसमें जाली में इसमें कुछ दिक्कत वगैरह कुछ अभी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? इशू नहीं है भैया, चल रहा है, लगा रहे हैं लोग, जिसको पसंद है लगा सकते, बढ़िया चीज़ ठीक है। बाकी आप जब लगवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, पहले इसके बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाएगी आपको, कैसे चलता है क्या सीन है वो सारी बातें बता देंगे, अगर आपने लाइट वाली लगवानी है तो। अदरवाइज अगर आपके पास बेस मॉडल है आप पूरा टॉप करवा रहे हो तो आप ये वाली लगवा लो जो कि आपको उसके साथ ही मिल जाती है। और क्या अभी अपने पास ये वाली आपके लिए जो फॉग लाइट नहीं आती है वो फॉग लाइट कुछ आपको मिल जाएगी, ये ऐसी कुछ फॉग लाइट होती है जो आपकी नॉर्मल गाड़ी के अंदर लगी हुई आती है, जिसके अंदर आप येलो बल्ब मिलता है ना कंपनी से, इसको हम चेंज करके वाइट कर सकते हैं। तो भैया फॉग लाइट का क्या खर्चा आएगा अगर हम कंपनी वाली लगवाएं फॉग लाइट? भैया ब्रांड न्यू लोगे तो 3500 आएगा, वैसे यूज वाली जो लगाते हैं हम लोग 1500-1200। यूज वाली में क्या होता है जो गाड़ी में जो प्रोजेक्टर लगाते हैं तो हट जाती है, तो मतलब ये गाड़ी जैसे अभी ब्रांड न्यू आई है हमने इसका उतार लिया तो कई बार लगा देता है, तो कई बार मतलब जो अवेलेबल होती है तो लगा देते हैं, नहीं तो फिर आपको नहीं लगानी पड़ेगी। इस रेंज में जाएंगे तो ये प्रोजेक्टर ही लग जाएगा ना, सही बात है, 2000 का प्रोजेक्टर ही आ जाता है। अच्छा उसके बाद में एलईडी डालो और आर पार वाला रिस्पांस ले लो ना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी कुछ महिंद्रा जेन्युइन चीज़ें हैं। अब हमने प्राइसिंग की बात सब में कर ली है, सबका प्राइस बता दिया, फॉग लाइट का भी हो गया हमारा, स्टेयरिंग का हो गया, फुटरेस्ट का हो गया भैया, हाँ जी सर वो भी हो गया, और ऊपर वाली जाली का भी हो गया, एंड्रॉइड का आपने नहीं बताया भैया। एंड्रॉइड भैया देखो 4,000-4,500 की रेंज से स्टार्ट है भैया, वैसे अच्छे मॉडल 22,000-22,500 तक के मॉडल है भैया। अच्छा जो आपको पसंद हो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग हो जाएगी। और जैसे इस वीडियो के अंदर मैंने एक दिखाया भी है वो 10 इंची वाला, हाँ उसका क्या है वो जो बहुत बड़ा दिखाया मैं इस वीडियो में, वो वाला स्टीरियो जो है वो भैया 17,500 का है, 17,500 का है, जिसकी 10 इंची के आसपास डिस्प्ले है, 11 इंची है, 11 इंची की डिस्प्ले है, और वो अगर शौकीन आदमी है तो लगवा सकता है, इसका मन में हो शौक वाला सीन, हाँ है ना। उसके बाद बात करते हैं भाई कुछ प्रोमेंस आइटम दिखा ले, तो एक अपना ये डोर रेंजेस हो गए भैया, ये प्रीमियम वीडियो है आपके लिए पूरा, मतलब सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ उसके अंदर, लेकिन जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो प्रीमियम होगी। ये भी डोर हिंज हो गए, इसमें आपको ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, रेड कलर भी अवेलेबल है, ब्लैक भी अवेलेबल है, और इसके अलावा भैया इसके जो डोर हिंजेस है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। उसके अलावा जो है भैया इसके जो आपके अपना स्पेसर जो आते हैं भैया 2 इंच वाले 50mm वाले वो भी अवेलेबल है, प्रोमेन का जो भी सामान है वो सारे अवेलेबल है, मतलब चाहे वो ग्रैब हैंडल हो चाहे वो ये हो डोर हिंज हो या UFO लाइट हो सब कुछ अवेलेबल, सारी चीज अवेलेबल है। तो ये कुछ आपके लिए जेन्युइन वीडियो थी एक, और इसके अलावा और कोई पार्ट अगर बढ़ता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। बाकी आपने और क्या जानना है इसके बारे में मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो जो आएगी वो फिर से वैसी ही वीडियो आएगी विद ग्रिल व्रिल सब कुछ रख के बढ़िया, और विद जेन्युइन पार्ट भी होगा उसमें, आफ्टर मार्केट भी होगा अगली वीडियो के अंदर, वो सब कुछ होगा। फिलहाल के लिए करते हैं वीडियो को एंड, ठीक है भैया, एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी एक नई थार के साथ, कुछ इसी तरह की 4x2 बेस मॉडल के साथ आपके साथ मिलेंगे।